टीकमगढ़ से खबर आ रही है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भक्तों का सैलाब कुंडेश्वर धाम के लिए निकल पड़ा, जहां पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके पुण्य लेने का सिलसिला शुरू हुआ। ज्योतिषियों के अनुसार आज रात 8 बजे से मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है, जिसके चलते भक्तों का अभी से आना प्रारंभ हो गया है। जानकारी के लिए बताते चलें कि टीकमगढ़ मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर विराजित भगवान भोलेनाथ शिवलिंग पिंडी में भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ कुंडलेश्वर मंदिर में विराजित पिंडी शिवलिंग अपने आप ही प्रकट हुए थे, जो आज भी चावल के दाने के समान हर साल उनकी पिंडी शिवलिंग बढ़ रहे हैं। मंदिर परिसर में भक्तों ने चर्चा के दौरान बताया कि प्राचीन मान्यता रही है कि एक औरत का ओखली में कूटते समय ओखली वाले गड्ढे से उनकी पिंडी निकली थी, जो आज भी बढ़ रही है। वहीं आज अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर मकर संक्रांति के अवसर पर भोलेनाथ के दर्शन करते रहे हैं। हमारे कानपुर में ये मानव सम्मान दिला रहे थे, उनकी लड़की उषा नाम की जो पुत्री थी वो हमारे तो इतना इतनी भक्ति थी, वो उनकी रात को आती थी और सबसे पहले पूजा करके चली जाती थी। तो उनको राजा को इस संदेह हुआ कि हमारी लड़की कहाँ जाती है, उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि शंकर भगवान हमारे इज्जत में संदेह किया जा रहा है, इस वजह से कहा, इस वजह से आपके मकर उस समय से भगवान शंकर ने बढ़ाए। तो उस समय इधर कुछ नहीं था, एक 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 लड़की झोपड़ी पड़ी थी, उसमें एक औरत थी, बुरी औरत थी, वो मूसर से डाल धान कूद रही थी। धान कूदने में उनका मूसर सर पर लगा, जिस सर पर लगा तो उससे खून बहने लगा, खून बहा तो उस समय राजा वीर सिंह का। इससे पहले मंदिर परिसर के समीप से निकली जमदार नदी में स्नान करते हुए भोलेनाथ को दूध, जल, बेलपत्र, फूल चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। वहीं दूसरी ओर मेले का भी आयोजन होता रहा है। मकर संक्रांति के अवसर पर शिव की नगरी कुंडलेश्वर में एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें आसपास के क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोगों द्वारा मेले में खरीदारी की जाती है। साथ ही बुंदेलखंडी भजनों से शिव की आराधना कर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। मेले और लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, साथ ही स्नान के लिए घाटों पर भी सुरक्षा रखी गई है। ये खबर हमारे टीकमगढ़ के संवाददाता कमलेश कुशवाहा द्वारा भेजी गई थी। आप देख रहे थे न्यूज़ व्यूज 360.com, खबरें अलग अंदाज में।